हेलो फ्रेंड्स, पूनम्स किचन में आज मैं बना रही हूँ सभी का फेवरेट कलाकंद। कैसा दानेदार बना है, देख रहे हैं क्लोजअप में। ये बना है सुपर सॉफ्ट, देखिए कैसे टूट रहा है, क्रम्बली बना है, भुरभुरा, बिल्कुल जैसा कि होना चाहिए। बढ़िया कलाकंद होता है बहुत ही डेलिकेट, सॉफ्ट, जूसी। उसकी शुरुआत होती है सॉफ्ट छैना से, और छैना को कुक भी सही तरीके से करना होता है, नहीं तो छैना हो जाता है हार्ड। इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ी सी ट्रिकी होती है, कुछ बातों का रखना होता है ध्यान, तो आप घर में ही परफेक्ट कलाकंद बना सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी टिप्स मिलें बढ़िया कलाकंद बनाने के लिए। और अगर आप मेरा वीडियो पसंद आता है, रेसिपी पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को याद से लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप मेरी रेसिपी घर पर ट्राई करते हैं और इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं तो मुझे ज़रूर टैग कीजिएगा, मेरा इंस्टा हैंडल है पूनम्स किचन। चलिए अब सिर्फ एक मेन इंग्रेडिएंट, दूध से बनाते हैं परफेक्ट कलाकंद। उसके लिए मैं कढ़ाई में डालूंगी आधा लीटर दूध। कढ़ाई को मैंने पहले पानी से थोड़ा सा गीला कर लिया था ताकि दूध नीचे लगे नहीं। गैस को मैं ऑन कर रही हूँ मीडियम पर। इस दूध को मैंने गाढ़ा करना है जब तक कि ये क्वांटिटी में आधा ना हो जाए, और गाढ़ा जल्दी से हो जाए इसीलिए मैंने इसे कढ़ाई में डाला है। कढ़ाई का मुंह बड़ा होता है पतीले से, तो ये जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा। और जितनी देर में ये दूध गाढ़ा हो रहा है, दूसरी तरफ हम छैना बना लेंगे। अब छैना बनाने के लिए मैं ये पतीला रख रही हूँ गैस पर। इसमें भी मैंने देखिए नीचे थोड़ा सा पानी डाला हुआ है ताकि दूध नीचे लगे नहीं। इसमें मैं डालूंगी 1.5 लीटर दूध, तो टोटल हम ले रहे हैं 2 लीटर, आधा लीटर कढ़ाई में और 1.5 लीटर पतीले में। अभी शुरू में तो दोनों ही बर्तनों में दूध को उबाल आना है। गैस को रखेंगे मीडियम पर और दोनों ही बर्तनों में स्पैचुला चलाते रहेंगे बारी बारी से। कढ़ाई में सिर्फ आधा लीटर दूध ही डला हुआ है तो इसमें तो फटाफट से ही उबाला आ जाएगा। अब मैं गैस को कर दूंगी लो और मीडियम के बीच में, और देखिए जब मैं इसमें स्पैचुला चला रही हूँ ना, तो बिल्कुल वॉल्स के ऊपर भी जो चिपक रही है मलाई, उसे भी साथ साथ दूध में ही करते जाएंगे। जब तक ये पतीले वाला दूध उबलता है तब तक हम छैना बनाने की बाकी तैयारी कर लेते हैं। एक स्ट्रेनर ले लेंगे, यानी कि छन्नी इस तरह की हो, या फिर जैसे सूप छानने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसके ऊपर रखेंगे चीज़ क्लॉथ। चीज़ क्लॉथ लें, मलमल का कपड़ा ले लें, मस्टर्न क्लॉथ, या फिर कोई भी कॉटन का पतला कपड़ा ले लें, ऐसा जिसका रंग ना निकलता हो। इस छन्नी को मैं रखूंगी पतीले के ऊपर, और इस पतीले में छानने के बाद सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा। दूध का जो बचा हुआ पानी होगा, जिसे वे बोलते हैं, बहुत हेल्दी होता है, वह सारा पतीले में इकट्ठा हो जाएगा। और अब ये जो चीज़ क्लॉथ है, इसे मैंने गीला कर लिया है ताकि जब हम छानेंगे तो ये फिसले नहीं, और सारा छैना इसके ऊपर ही सही से इकट्ठा हो। मैं साथ साथ दोनों ही बर्तनों में स्पैचुला भी चलाती जा रही हूँ। कढ़ाई में तो थोड़ा सा ही दूध है, ये फटाफट से गाढ़ा हो जाएगा, साथ साथ हमारा छैना भी रेडी हो जाएगा। अब छैना बनाने के लिए हमने दूध को फाड़ना है, और उसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ नींबू का रस। मैंने 4 बड़े चम्मच नींबू का रस लिया और उसमें मिला लिया है 4 बड़े चम्मच ही पानी, रूम टेम्परेचर पर था पानी। अगर आपका नींबू फ्रिज में पड़ा हुआ था, यानी कि उसका रसा ठंडा होगा, तो फिर आप पानी हल्का सा गुनगुना मिक्स करें, हल्का सा गर्म। इस दूध को भी उबाला आ गया है, गैस को मैं करूँगी बंद और अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी, 5 से 7 मिनट। इतनी देर में दूध थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसका टेम्परेचर आ जाएगा 80 to 85 degrees Celsius के बीच में। उस टाइम पर अगर दूध फाड़ेंगे तो छैना सबसे सॉफ्ट बनेगा। अगर आप बहुत गर्मी के मौसम में ये छैना बना रहे हैं तो दूध को ठंडा होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, आप 10 मिनट वेट कर लें। दूध फाड़ना शुरू करने से पहले मैंने यहाँ एक ग्लास में खूब सारी बर्फ़ भी ले ली है, यह हमें छैना बनाने में काम आएगी। और फ्रेंड्स, ध्यान रहे कढ़ाई वाले दूध को भूलना नहीं है, साथ साथ इसमें स्पैचुला चलाते रहना है। अब दूध को फाड़ने के लिए इसमें हम 1-1 बड़ा चम्मच करके नींबू का रस, ये जिसमें पानी मिला हुआ है, ये डालते जाएंगे और साथ साथ मिलाते जाएंगे। मैंने 4 बड़े चम्मच नींबू का रस लिया था और उसमें 4 बड़े चम्मच ही पानी डाला था, टोटल हो गए 8 बड़े चम्मच। उसमें से 6 बड़े चम्मच तो मैंने इसमें डाल दिए हैं, और अब देखिए बिल्कुल ग्रीन ग्रीन पानी अलग नहीं हुआ है, लेकिन अभी मैं इसमें और रस नहीं डालूंगी। अभी मैं इसे 2-4 मिनट के लिए बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दूंगी। इसमें जितना नींबू डला हुआ है वह अपना काम करेगा और भी छैना अलग हो जाएगा। अगर नहीं होगा तब हम और नींबू डाल लेंगे। ऑलमोस्ट 3 मिनट के बाद इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और डाल रही हूँ। अभी बिल्कुल ग्रीन पानी अलग हो गया है, जो ग्रीन है वह है वे, और जो सफ़ेद दही जैसा इकट्ठा हो गया है वह है छैना। ये छैना सॉफ्ट बना रहे और हार्ड ना हो, उसके लिए उसकी कुकिंग अभी यहीं पर रोकनी ज़रूरी है। पतीले में मैं डाल दूंगी ये बर्फ़। बर्फ़ डालने से पतीले के अंदर टेम्परेचर हो जाएगा एकदम से कम,
और छैना की कुकिंग वहीं रुक जाएगी। और यह राज है सॉफ्ट छैना या सॉफ्ट पनीर बनाने का। छैना तो सॉफ्ट बन गया, लेकिन कलाकंद भी सॉफ्ट बने उसके लिए आगे और टिप्स मैं दूंगी आपको। पतीले में काफ़ी बर्फ पिघल चुकी है और अभी देखिए इतना ठंडा हो गया है कि हाथों से ही सीधा उठाया जा रहा है। किसी कपड़े की ज़रूरत नहीं है, इसे बस छन्नी में हमने पलट लेना है। जो भी वे होगा वह नीचे पतीले में इकट्ठा हो जाएगा। उसे आप कांच के कंटेनर में डालकर फ्रिज में रख लें, बेशक पतीले में डालकर ही फ्रिज में रख लें। उसे आप और रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। दोबारा से पनीर छाना बनाना चाहते हैं या आटा गूंदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी ऐसी रेसिपी में जिसमें नींबू वाला पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी ये छन्नी के ऊपर रह गया है छैना, लेकिन इसमें अभी नींबू की खटाई होगी तो इसे हमने बहुत ही अच्छी तरह से धोना है। धोने के लिए आप ऊपर से ठंडा पानी डालें इस तरीके से। अभी तो मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको यहाँ ग्लास से दिखा रही हूँ। अभी मैं इस छन्नी को ट्रांसफ़र कर दूँगी सिंक के ऊपर ताकि खूब खुले पानी से मैं इसे धो सकूँ। यह मैंने छैना को बहुत ही अच्छी तरह से धो लिया है खुले पानी से, 2-3 लीटर पानी से। छैना वॉश करने के बाद उसे आप टेस्ट ज़रूर कर लीजिए, उसमें खटास बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और देख रहे हैं छैना सॉफ्ट कितना बना है, देख रहे हैं कैसे मलाई की तरह है, लेकिन है फिर भी दानेदार। और अभी इसका दाना और भी प्रोमिनेंट हो जाएगा जब ये दूध में ट्रांसफ़र होगा। अभी चीज़ क्लॉथ को इकट्ठा कर लेंगे और हाथ से भी मैं इसे इस तरह से स्क्वीज़ करके एक्स्ट्रा पानी निकाल दूँगी। हमें आगे रेसिपी में इस छैना को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, तो इसीलिए जितना पानी अभी निकाल सकें उतना बेस्ट रहेगा। अगर आपके पास टाइम हो तो आप चीज़ क्लॉथ को छन्नी के ऊपर ही छोड़ दें ताकि एक्स्ट्रा पानी अपने आप से ही निकल जाए, और फिर उसके बाद एंड में इसे स्क्वीज़ कर लें। अब जितनी देर में हमारा छैना तैयार हुआ है उतनी देर में कढ़ाई वाला दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है। देख रहे हैं कितनी सारी मलाई बन गई है। अब इस छैना को मैंने ट्रांसफ़र करना है दूध में। इतना सॉफ्ट है इसे बस आप हाथ से इस तरह से डालते जाएं, अपने आप दूध में बहुत ही इजीली मिक्स हो जाएगा। फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखना है कि दूध जब बिल्कुल गाढ़ा होकर क्वांटिटी में आधा रह जाए तब हमने छैना इसमें मिक्स करना है। अगर हमने उससे पहले ही छैना इसमें डाल दिया तो दूध को गाढ़ा करने के चक्कर में छैना बहुत ज़्यादा कुक हो जाएगा और फिर कलाकंद सॉफ्ट नहीं बनेगा। मैंने आपको वीडियो में छैना बनाने के लिए जितनी भी टिप्स दी हैं उससे अगर आप बनाएंगे तो आपका छैना सॉफ्ट बनेगा। लेकिन अगर फॉर एनी रीज़न आपका छैना सॉफ्ट नहीं बना है, जैसा मेरा वीडियो में बना है, अगर ऐसा नहीं है तो आप पहले छैना को मसल लें हाथ से, बिल्कुल सॉफ्ट कर लें, उसके बाद दूध में मिक्स करें। छैना को मैं दूध में अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और हीट को अब मैं कर रही हूँ मीडियम और हाई के बीच में। अब इसे बराबर चलाते हुए मैंने कुक करना है। इस टाइम पर कुकिंग टाइम जितना कम रहेगा उतना हमारा कलाकंद सॉफ्ट बनेगा। और कुकिंग टाइम कम करने के लिए हमने दो बातों का ध्यान रखा है। पहला ये कि हमारा दूध अच्छे से गाढ़ा हो जाए उसके बाद ही हम छैना मिक्स करें, और दूसरा छैना के साथ पानी कम से कम जाए। छैना में जो पानी साथ में जाता है वह अभी इस मिक्स को पहले तो थोड़ा सा ढीला करेगा, लेकिन हम इसे कुक करते जाएंगे तो वह फिर से थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। मैंने आपको वीडियो में एक चीज़ खास बोली है कि छैना बहुत अच्छी तरह से धुला हुआ होना चाहिए कि उसमें खटास ना रहे। वह इसीलिए क्योंकि अगर उसमें खटास रह गई तो छैना को जब दूध में मिक्स किया जाता है तो उस दूध के फटने का चांस हो जाता है। अगर वह दूध भी फट गया तो फिर वह भी छैना ही बन जाएगा, तो ये फिर एंड में कढ़ाई में छैना ही रह जाएगा। लेकिन कलाकंद सिर्फ छैना नहीं है, जो ये दूध वाला पोर्शन है यह सारा छैना एब्जॉर्ब कर रहा है ताकि दानेदार बने और साथ में वह सॉफ्ट भी होता जाए, और साथ में ये दूध वाला पोर्शन इन सारे दानों को बाइंड करके रखता है। इसे कुक करते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब देखिए किस तरह से छैना के दाने फूल गए हैं, बिल्कुल दानेदार बन गया है। कढ़ाई छोड़ने लगा है अब ये पूरा ही मिक्स, और आप अगर कढ़ाई की बाहर बाहर की तरफ देखें तो दूध के बहुत बड़े बड़े से बुलबुले दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अब इसमें एक्स्ट्रा दूध बहुत ही कम रह गया है। अब इस स्टेज पर मैं हीट को कर रही हूँ लो पर, और इसमें डालूंगी मैं इलायची पाउडर 1/4 छोटा चम्मच। आप चाहें तो थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल सकते हैं इलायची पाउडर ना हो तो, या केवड़ा वाटर। साथ में मैं डालने लगी हूँ चीनी। मैंने अभी इसमें 1/2 कप से थोड़ी सी कम चीनी डाली है क्योंकि हम मीठा हल्का पसंद करते हैं मेरे फैमिली में, लेकिन अगर आपको बाजार जैसा मीठा चाहिए तो आप इसमें 1/2 कप चीनी डालें। इसमें जब चीनी डालेंगे और चीनी पिघलेगी तो ये फिर थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, तो 1 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे, फिर गैस को कर देंगे बंद। चीनी डालकर कलाकंद को ज़्यादा कुक नहीं करना है, नहीं तो इसके दाने हार्ड हो जाएंगे।
एक मिनट के बाद गैस को तो बंद कर देंगे, लेकिन कढ़ाई में मैं स्पैचुला इस तरह से चलाती रहूँगी क्योंकि कढ़ाई काफ़ी गर्म है। और अब ये देखिए ज़रा क्लोजअप में कैसा दानेदार बना है हमारा ये कलाकंद। ये अब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो मैं इसे पैन में ट्रांसफ़र करूँगी सेट करने के लिए। अभी आप ध्यान दें, कढ़ाई में अभी भी थोड़ा सा लिक्विड है, बिल्कुल नहीं सुखाया है मैंने इस मिक्स को। हल्का हल्का सा लिक्विड रहता है तो कलाकंद हमारा बनता है बहुत ही मॉइस्ट, सॉफ्ट, मॉइस्ट, क्रम्बली। उसके लिए इसी स्टेज पर हमारी गैस बंद होनी चाहिए। मैंने कलाकंद सेट करने के लिए कंटेनर ले लिया है, इस पर मैंने अच्छे से घी लगा दिया है। यह मिक्स हो गया है ठंडा, इसे ट्रांसफ़र करूँगी पैन में। आप अगर गौर करें तो अभी आपको पैन के कोने कोने पर थोड़ी सी चाशनी दिखाई देगी। हल्का सा ये मिक्स भी गीला गीला सा देखिए, मैं जब प्रेस कर रही हूँ तो पता चल रहा है ना कैसे सॉफ्ट सॉफ्ट सा है, हल्का सा लिक्विडी है अभी भी। ये ठंडा होने पर थोड़ा सा फर्म अप हो जाएगा। कलाकंद को और टेस्टी और ऑथेंटिक बनाने के लिए मैं इसके ऊपर डालने लगी हूँ पिस्ता। थोड़ा सा चूरा कर लिया है, थोड़े से छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं। आप चाहें तो बादाम भी डाल सकते हैं। चारों तरफ ही अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी पिस्ता को। अब एक चम्मच की बैग से पिस्ता को इसके अंदर सेट कर दूँगी, थोड़ा सा दबा दूँगी। देखिए ऐसे ये मिक्स अभी बिल्कुल ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो मैं इस पर कवर लगा दूँगी और इसे रख दूँगी फ्रिज में। और फ्रिज में ये 2 से 3 घंटे ठंडा हो जाए, उसके बाद आप इसे सर्व कर सकते हैं। उस टाइम पर कलाकंद होगा सुपर सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट। अगर आप उसके पीसेस कट करने की कोशिश करेंगे तो वह नहीं होगा। आपने हो सकता है हलवाई की दुकान पर देखा हो कि वो फ्रेश कलाकंद सर्व करते हैं, जो कि इस तरह का बहुत ही सॉफ्ट होता है। वह सर्व किया जाता है छोटी छोटी कटोरियों में, सिर्फ प्लास्टिक के कंटेनर्स में सर्व करते हैं। कुछ हलवाई कलाकंद को पीसेस में कट करके बेचते हैं, तो जैसे बर्फ़ी के पीसेस होते हैं उस तरह से। अगर उस तरह से शेप कट करनी है तो फिर हमें इसे 8 से 10 घंटे के लिए फ्रिज में रखना होगा। कलाकंद ओवरनाइट ही फ्रिज में पड़ा रहा है, अब अगले दिन सुबह मैंने इसे कट किया है। बहुत ही सॉफ्ट होता है ये, तो आप जब इसे काटेंगे तो काटने में ही पता चलेगा बिल्कुल जैसे मलाई को काट रहे हैं। एक पीस मैं निकाल कर आपको क्लोजअप में दिखाती हूँ, देखिए कितना दानेदार बना है, बहुत ही सॉफ्ट है। अब देखिए इतनी देर में ये इतना फर्म हो गया है कि इस तरह से शेप में कट किया जा रहा है, बट फिर भी काफ़ी भुरभुरा सा रहेगा, क्रम्बली रहेगा और दानेदार बना है। देख रहे हैं खूब बढ़िया कलाकंद बना है। तो ये हुई फ्रेंड्स बहुत ही सॉफ्ट, क्रम्बली, मॉइस्ट कलाकंद बनाने की रेसिपी। कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी और ये टिप्स? अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ याद से करें लाइक, कॉमेंट, शेयर करें अपने सोशल नेटवर्क्स पर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकॉन याद से क्लिक कीजिएगा ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिलें। अगर आप मेरी रेसिपीज़ घर पर ट्राई करते हैं और इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं तो मुझे ज़रूर टैग कीजिएगा। मेरा इंस्टा हैंडल है पूनम्स किचन। अभी के लिए है बाय, आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।